वहीं जमुई के झाझा रेफरल अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल बंध्याकरण ऑपरेशन कराने आए मरीज ने बेड ना होने के कारण जमीन पर ही लेटकर रात गुजारी। मामले की जानकारी मिलते ही नेशन न्यूज की टीम अस्पताल पहुंची और स्थिति का जायजा भी लिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जमुई से हमारे संवाददाता हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, रेफरल अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ऑपरेशन कराने गए जो मरीज हैं उनको बेड भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या कुछ बताई जा रही है? हर्ष जी ऋतिक, बिल्कुल। देखिए, झाझा रेफरल अस्पताल ही नहीं, जमुई के साथ साथ अगर आप पूरे बिहार राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे तो वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से लचर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि झाझा रेफरल अस्पताल जो कि जमुई जिले का काफी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग का अंग है, कल रात मैंने स्वयं 10 बजे रात्रि में झाझा रेफरल अस्पताल का जब औचक जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ पर बेड मात्र 18 से 20 ही उपलब्ध है और पेशेंट की संख्या लगभग 40 से 50 के बीच थी, जिसकी वजह से बेड की असुविधा पाए जाने के बाद जितने भी मरीज थे वह जमीन पर रात गुजारते नजर आए। एक सवाल हर्ष आपसे, अस्पताल प्रशासन से, क्योंकि जायजा लेने आप वहाँ पे मौके पर पहुंचे, क्या अस्पताल प्रशासन में किसी से भी आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल ऋतिक, बता दें आपको कि जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जब मैंने अस्पताल प्रबंधक या अस्पताल के किसी भी स्वास्थ्य कर्मी से बात करने का प्रयास किया और चैम्बर में जब मैंने प्रवेश किया तो पता चला कि एक भी चिकित्सक जो है वो मौके पर यानी अस्पताल परिसर में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जो सैनिटाइजर मशीन भी लगाया गया अस्पताल में वो काफी दिनों से बंद पड़ा है और त्रिसदस्यीय टीम भी एक सप्ताह के अंदर वो निरीक्षण के लिए आई थी। हालांकि आश्वासन तो बहुत कुछ दिया गया था लेकिन अब तक कुछ भी मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है और ये बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधक की देखी जा सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष। तो एक बार फिर से आपको बता दे कि हमारे संवाददाता ने जब मौके पर पहुंच के अस्पताल का जायजा लिया तो वहां पर पाया गया है कि मरीजों को बेड नहीं दिया जा रहा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से मरीज जो जमीन पर सोने के लिए मजबूर हैं और अस्पताल प्रशासन ने भी अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है।